नाज़रीन ग्रामी, आज सब जिला कोटरंका के डिग्री कॉलेज के तुलबा ने सड़क पर जमकर मुजाहिरे किए और जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ नाराबाजी की। उन्होंने बाज़ाब्ता ये बात कही है कि जम्मू यूनिवर्सिटी बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कोटरंका इनके बीच आए और उन्होंने इनकी बातें सुनकर इनको यकीन दहानी करवाई कि इनकी बात को आला सतह तक आज ही पहुँचाया जाएगा। Only 10% students to take admission in BA fifth semester, and 90% students are not eligible to take admission. बच्चों के जम्मू यूनिवर्सिटी को लेके काफ़ी कंसर्न है, बहुत सारे कुछ ये जायज़ बातें नहीं बता रहे हैं। तो जम्मू यूनिवर्सिटी ने कोई नोटिफिकेशन निकाला हुआ है जिसमें एलिजिबिलिटी फिक्स की है फिफ्थ सेमेस्टर के लिए, उससे ये बड़े एग्रीव्ड हैं और सारे बच्चे आप देख रहे हैं कि रोड पर जमा हो गए हैं। हमने इनको विश्वास दिलवाया है कि जो आपके कंसर्न है ये हम डीसी साहब को सबमिट करेंगे और डीसी साहब के थ्रू जो है यूनिवर्सिटी तक जाएंगे। इसमें जो भी इनकी आवाज़ है वो पूरी की पूरी आवाज़ हम यूनिवर्सिटी तक पहुंचाएंगे और फिर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन तक है कि वो कितना उसमें आगे कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि काफ़ी बच्चे जमा है और ये धमकी भी दे रहे हैं कि हम अपने प्रोटेस्ट जो है वो कंटिन्यू करेंगे अगर इनके मामला हल ना हो। तो हम कोशिश कर रहे हैं, मैं डीसी साहब से बात करूँगा, कोशिश ये रहेगी कि जितने इनके कंसर्न हैं सारे के सारे फ्रेश किए जाएँ और इनके कंसर्न को रिक्वेस्ट भी किया जाए। प्रेसिडेंट भी हैं यहाँ के कॉलेज के, जनाब जिस तरह से अभी आपने कहा कि हम जो है पैदल मार्च करेंगे, क्यों? देखिए सर, अगर जम्मू यूनिवर्सिटी ये जो नोटिफिकेशन निकाला है ये स्टूडेंट्स के हक में नहीं है, स्टूडेंट्स इसके खिलाफ हैं, स्टूडेंट्स इसको एक्सेप्ट नहीं करते, स्टूडेंट्स इसको सिरे से खर्च करते हैं। अगर जम्मू यूनिवर्सिटी आज शाम को ये जो नोटिस है विदड्रा नहीं करती, रोल बैक नहीं करती, तो मेरी कंटिन्यूसली स्टूडेंट्स यूनियन से बात हो रही है, वो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज से, वो बुद्धल कॉलेज हो, पीजी कॉलेज हो, राजौरी हो, थनामंडी हो, कालाकोट हो, निशहरा हो, पाडर हो या भद्रवाह हो, जितने भी कॉलेज जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं मेरे स्टूडेंट यूनियन से कंटिन्यूसली जो है कई दिनों से बात हो रही है। तो हम विद इन डेज जो है पैदल मार्च जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ कर रहे हैं। हमारा यही एक मुद्दा नहीं है, हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के साथ इनजस्टिस करती जा रही है, वो फीस के मामले में हो, वो सेमेस्टर के टाइम पीरियड के मामले में हो, वो पीजी के एडमिशन की करप्शन के बारे में हो, हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं। अगर जम्मू कॉलेज वालों को और जितने भी जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर कॉलेज आते हैं वो कश्मीर यूनिवर्सिटी, जिस तरह से एक बात और पूछेंगे जनाब, अभी आप बोल रहे थे कल जो है लास्ट वर्किंग डे है, इसके हवाले से। बिल्कुल, जम्मू यूनिवर्सिटी से मेरी बात हुई, जम्मू यूनिवर्सिटी ने यह कहा कि हमें दो दिन का टाइम दो। इनका जनाब मंसूबा देखिए, क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी को 14 तारीख से जो है सम्बरिफिकेशन पड़ रही है और स्टूडेंट्स की जो एडमिशन फीस है वो लेट फीस पड़ जाएगी, एडमिशन जो है वो लास्ट डेट होने वाली है। जम्मू यूनिवर्सिटी ये चाहती है कि हम हमारी जो है वो छुट्टियां हो जाएंगी और स्टूडेंट्स को जो है मजबूरन जो है वो एडमिशन लेनी पड़ेगी और 90% स्टूडेंट्स को जो है वो घर बैठने पड़ जाएगा और 90% स्टूडेंट जो है वो डिप्रेशन का शिकार होंगे। इस वक्त की जो मौजूदा सरकार है, जो जम्मू यूनिवर्सिटी है, वो 90% स्टूडेंट्स को जो है घर बिठाना चाहती है, डिप्रेशन का शिकार करना चाहती है। हमें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, हम इसके खिलाफ।